हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, कल हमने रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। अब पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, रजिस्टर का समांतर संयोजन। ठीक है, तो कल हमने देखा था सीरीज संयोजन का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, करंट सेम रहती है हर एक रेजिस्टेंस में, चाहे कितने रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस पर उसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। ठीक, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पर वोल्टेज ज़्यादा होगा। ठीक, जिसका कम होगा उस पर कम होगा। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के दोनों सिरे आपस में जुड़े हों, मतलब उसका स्टार्टिंग जो हमारा एंड है वो कोई, मतलब दो रेजिस्टेंस है। ठीक, एक ये है और एक ये है। तो देखो इसके स्टार्टिंग एंड, इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड और इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग एंड आपस में जुड़े हैं, और इनका जो लास्ट एंड है, जो अंतिम सिरा, वो भी आपस में जुड़े हैं। तो इन दोनों के आपस में जुड़े हैं ना, पहला सिरा और दूसरा सिरा, स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, ऐसी अगर और यहाँ पर रेजिस्टेंस होते दो से अधिक, उनके भी पहला सिरा और दूसरा सिरा क्या है, आपस में जुड़े होते। ठीक है, स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड क्या है, आपस में जुड़े होते। तो यही बताया गया है यहाँ पे। यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के दोनों सिरे, पहला और दूसरा सिरा, आपस में जुड़े हों तथा सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान हो, तो वह प्रतिरोध समांतर में कहे जाते हैं। ठीक है, यदि दोनों सिरे आपस में जुड़े हों, और क्योंकि देखो वोल्टेज क्या होता है, विभवांतर, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का अंतर, किन्हीं दो पॉइंट के विभवों का अंतर, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो विभव का अंतर होगा वो इतना ही होगा ना भाई, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट आपस में जुड़े हैं ना, दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो विभव का अंतर दोनों में सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा। ठीक, ऐसे जितने भी समांतर में हमारे रेजिस्टेंस जुड़े होंगे उनके अक्रॉस वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। ठीक, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके, इसका पहला और लास्ट सिरा, स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड क्या होती हैं, इसके आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, तो इन दोनों के बीच जितना भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सब में सेम रहेगा। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस में। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के दोनों सिरे आपस में जुड़े हों तथा सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान हो, तो वह प्रतिरोध समांतर में कहे जाते हैं। ठीक, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, चाहे वो कितने ही समांतर में जुड़े हों हमारे प्रतिरोध। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है। ठीक है, अब सीरीज में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट का मान सेम था और वोल्टेज का मान प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग था। ठीक, वहाँ पर वोल्टेज प्रोपोर्शन में बढ़ जाता था। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पर वोल्टेज ज़्यादा आता था, जिसका कम था उस पर कम आता था। और यहाँ पे क्या है, हमारे क्या है, वोल्टेज सभी के अक्रॉस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ करंट बढ़ जाएगी। ठीक, करंट का मान अलग अलग रहेगा प्रत्येक प्रतिरोध। अब करंट क्या रहती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में बढ़ती है। ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ता था वोल्टेज सीरीज में, यहाँ पे करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शन में बढ़ती है। क्यों, क्योंकि करंट क्या होती है, वोल्टेज भाई, अगर हम ये क्या होता है, बी अपॉन आई इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहता है ना ओम के नियम के अनुसार, तो रेजिस्टेंस क्या है हमारी, वो करंट क्या, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हमारी इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, वो हर एक प्रतिरोध में उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। ठीक, जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी, और जिसका कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, करंट बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर में जुड़े हैं तथा इन पर अप्लाई वोल्टेज भी है। ठीक, तीन प्रतिरोध हैं, ये R1, R2, R3 समांतर में जुड़े हैं और इन पर प्रतिरोध कितना है, बी। तो देखो इनका ये वाला पॉइंट, इन तीनों प्रतिरोध का ये स्टार्टिंग एंड और ये लास्ट एंड क्या है, आपस में जुड़े हैं ना। तो भाई जितना वोल्टेज, जितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा
उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, ठीक। ऐसे ही जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, इतना यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, ठीक। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इनमें सब में सेम रहेगा, मतलब इन सब के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। तो समांतर में सारे प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज हमारा सेम रहता है, ठीक। अप्लाई वोल्टेज बी है तथा आर वन, आर टू और आर थ्री में करंट्स आई वन, आई टू और आई थ्री फ्लो हो रही हैं तथा सर्किट की टोटल करंट आई है। तब इनमें करंट इसमें आई वन, इसमें आई टू, इसमें आई थ्री फ्लो हो रही है और टोटल करंट सर्किट की हमारी आई है, ठीक है, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस या कुल प्रतिरोध निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, सीरीज में क्या था सबको जोड़ देते थे निकालने के लिए, ठीक। यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ रेजिस्टेंस आर वन में करंट आई वन फ्लो हो रही है, तो करंट आई वन का मान क्या होगा भाई, करंट आई वन का मान आई स्क्वल टू क्या होता है हमारा, आई स्क्वल टू बी अपॉन आर, ये होता है ना। तो आई वन स्क्वल टू क्या होगा, आई वन इसके अक्रॉस वोल्टेज और इस प्रतिरोध का मान, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है हमारा वी और प्रतिरोध का मान आर वन है। इसी तरीके से आई टू क्या होगा, आर टू के अक्रॉस वोल्टेज और आर टू का मान, और ऐसी आर थ्री क्या होगा, आर थ्री के अक्रॉस वोल्टेज और आर थ्री का मान, ठीक। तो ये अलग अलग करंट हमने निकाल ली, तो ये करंट की वैल्यू क्या होगी समांतर में अलग अलग रहेगी, आई वन अलग होगी, आई टू अलग और आई थ्री अलग। ये करंट क्या रहती है, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है सारे रेजिस्टेंस, ठीक। और वहाँ पे वोल्टेज बढ़ता था डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टोटल करंट, टोटल करंट क्या होगी हमारी, आई स्क्वल टू भाई ये टोटल जो हमारी करंट होगी ये क्या होगी, यहाँ आके क्या ये बढ़ जा रही है ना, फिर यहाँ आके फिर यही आई हो जा रही है, तो आई स्क्वल टू क्या होगी, आई स्क्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। तो टोटल करंट आई स्क्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू हमें मालूम है, आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू ये है, तो क्या करेंगे, और बी स्क्वल टू टोटल वोल्टेज स्क्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज स्क्वल टू टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने मान लिया सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पी है, क्योंकि पैरेलल सर्किट है ये, तो पैरेलल रेजिस्टेंस हमने मान लिया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया आर पी, मतलब पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो आई स्क्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टोटल टोटल करंट स्क्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक। तो इस इक्वेशन फोर में हम क्या करेंगे, आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू लगा देंगे और आई की वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने आई स्क्वल टू आई वन की वैल्यू वी अपॉन आर वन लगा दी, आई टू की वैल्यू वी अपॉन आर टू लगा दी, आई थ्री की वैल्यू वी अपॉन आर थ्री रख दी, ठीक। और आई की वैल्यू वी अपॉन आर पी, आई क्या है सर्किट की टोटल करंट, तो टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो वी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये आ जाएगा, अब वी यहाँ से क्या करा हमने कॉमन ले लिया और यहाँ कट जाएगा वी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के क्या आ गया, वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो पैरेलल सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और सीरीज में क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे, ठीक। अब अगर हमें ये निकालना है तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए इसको अगर आगे सॉल्व करना है हमें, तो वन अपॉन आर वन पी स्क्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे हम सबका, तो ये क्या आ जाएगा, आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है। अब यहाँ आर वन है तो आर वन से आर वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, आर टू आर थ्री। इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, आर वन आर थ्री, और यहाँ पे इसी तरीके से क्या आएगा, आर टू आर वन, ठीक है। तो ये क्या वन अपॉन आर पी है, तो आर पी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, आर पी स्क्वल टू आर वन आर टू आर थ्री अपॉन आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री, सॉरी आर वन आर थ्री प्लस आर वन आर टू, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा ये, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, वरना निकालते हैं अगर हमें प्रूफ करने के लिए आएगा तो हम सिर्फ इतना ही कर देंगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही कर देंगे। अगर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ऐसे ही कर देंगे, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो हम ऐसे करके उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अब
क्वेश्चन देखते हैं, एक हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया, ठीक। अब ये क्या कह रहा है, पॉइंट ए तथा पॉइंट बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो हमने मान लिया टोटल रेजिस्टेंस आर पी है, ठीक, पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आर पी है, ठीक। तो हमने देखा था अभी टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो इसी तरीके से हमने जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पे वन अपॉन आर वन इक्वल टू क्या होगा, सॉरी वन अपॉन आर पी इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन आर वन की जगह यहाँ क्या आर आर वन की जगह क्या टू ओम, तो वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन आर टू की जगह फोर ओम है, वन अपॉन फोर। इसी तरीके से प्लस वन अपॉन आर थ्री की जगह क्या है सिक्स, सिक्स ओम। इसी तरीके से प्लस वन अपॉन आर फोर की जगह क्या है ट्वेल्व ओम, ठीक, तो ट्वेल्व ओम लगा दिया। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे इन सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा ट्वेल्व ओम आएगा। तो यहाँ पे टू है तो टू से इसको हम डिवाइड करेंगे तो सिक्स आएगा, यहाँ सिक्स आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ थ्री आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर टू आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर वन रहेगा, ठीक। तो ये हम टोटल ऐड कर लेंगे अब, तो टोटल ऐड क्या आएगा सिक्स प्लस नाइन, सिक्स प्लस थ्री नाइन, प्लस टू इलेवन, प्लस वन ट्वेल्व। तो ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व वन आ गया, तो हमारा आर पी क्या आ गया, आर पी इक्वल टू वन ओम आ गया। तो पॉइंट ए और बी के बीच हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पैरेलल सर्किट का कितना आएगा, वन ओम आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट, माना दो प्रतिरोध R1 एंड R2 समांतर में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ठीक। R1 और R2 समांतर में जुड़े हैं, तो पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच ये दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, इनके बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो मान लिया हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा RP है, ठीक। तो वैसे निकालेंगे वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अब केवल दो ही हैं तो दो ही तक लेंगे हम, ठीक। अब इस तरीके से वन अपॉन आर वन इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम ले लिया तो यहाँ आर टू आ जाएगा और यहाँ पे आर वन आ जाएगा, ठीक। तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, अगर दो पैरेलल अगर दो रेजिस्टेंस दो प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हों तो ये ऐसे निकालते हैं हम रेजिस्टेंस, ठीक है। आर पी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू प्लस आर वन प्लस आर थ्री। चलिए अब इसको लिख के दिखा देते हैं, ठीक। यदि दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तब तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, ये शॉर्टकट है ये, ठीक, शॉर्टकट तरीका ये होता है। अब हम अगर दो रेजिस्टेंस समांतर में दिए तो ऐसे करके नहीं निकालेंगे हम कि वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अगर केवल दो रेजिस्टेंस दिए तो ऐसे नहीं निकालेंगे हम, ठीक, सीधे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला क्या होता है, यदि दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, दोनों प्रतिरोधों का गुणनफल अपॉन दोनों प्रतिरोधों का योग, मतलब दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर केवल दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम प्रतिरोध, ठीक, शॉर्टकट तरीका है ये निकालने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, फोर ओम और एट ओम के दो प्रतिरोध दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हैं, तो ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध बताओ या तुल्य प्रतिरोध बताओ या इक्विवेलेंट प्रतिरोध बताओ। तो माना तुल्य प्रतिरोध आर ए बी मान लिया हमने, इन दोनों के बीच आर ए बी मान लिया, या आर पी कुछ भी मान सकते हो वो तुम्हारी मर्जी, ठीक, केवल आर बी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मालूम है केवल दो प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़े हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों की गुणा दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब दोनों को जोड़ देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक। तो दो तो हम शॉर्टकट कैसे शॉर्टकट तरीका ये निकालने का, तो आर ए बी कैसे निकालेंगे, दोनों की गुणा कर देंगे अपन दोनों को जोड़ देंगे, तो चार और आठ को क्या करेंगे गुणा कर देंगे और अपन दोनों को जोड़ देंगे, तो बत्तीस अपॉन बारह आ जाएगा। तो इसको अगर हम चार से डिवाइड करेंगे तो यहाँ थ्री आएगा यहाँ फोर आएगा, ठीक है। तो केवल इतना ही रहने दो एट अपॉन थ्री, या फिर अगर और सॉल्व करना चाहो तो इतना कर दो, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका होता है यदि दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों, केवल दो प्रतिरोध हमारे समांतर में जुड़े हों, ठीक, तब शॉर्टकट तरीका होता है निकालने का, ऐसे ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इसी तरीके से
एक और देखते हैं, माना आर ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तब तुल्य प्रतिरोध बताओ। अब क्या यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, समान मान के दो प्रतिरोध जुड़े हैं समांतर में, तब क्या होगा फॉर्मूला, तब देखते हैं। ठीक, तो हमें मालूम है अगर केवल दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े रहते हैं तो शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ देते हैं, तो आर ए बी क्या हो जाएगा, आर इंटू आर अपन आर प्लस आर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपन टू आर। ठीक, अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आर अपॉन टू आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर अपॉन टू आ जाएगा। यदि समान मान के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध आर अपॉन टू। मतलब अब चलो आगे देखते हैं, अगर दो हैं, यहाँ दो देख, यहाँ दो थे तो क्या आया था, आर अपॉन टू आया था, आर ओम के दो रेजिस्टेंस जुड़े थे समांतर में, आर अपॉन टू आया था। अब यदि तीन आर ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े तो क्या आएगा, ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अब हम क्योंकि तीन जुड़े तो शॉर्टकट वाला नहीं अपना सकते, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो वन अपॉन आर ए बी इक्वल टू वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, क्योंकि तीनों सेम है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ एलसीएम आर आ जाएगा। ठीक, तो आर है तो यहाँ तीनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा, वन वन वन, तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री आ गया। ठीक, तो टोटल हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, आर अपॉन थ्री। ठीक, यदि तीन प्रतिरोध समान मान के समांतर में जुड़े थे, सेम वैल्यू के थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े थे, तो क्या आ गया, आर अपॉन थ्री। ठीक है, आर ओम के तीन रेजिस्टेंस जुड़े थे समांतर में तो आर अपॉन थ्री आ गया, और दो जुड़े थे तो क्या आया था, आर अपॉन टू आया था। इसी प्रकार अगर एन एन रेजिस्टेंस जुड़े होंगे समांतर में, यदि आर ओम के एन रेजिस्टेंस एन प्रतिरोध समांतर में जुड़े तो क्या आएगा हमारा, आर अपॉन एन आएगा। मतलब कितने भी सेम वैल्यू के समान मान के जितने भी रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हों तो क्या आता है, किसी एक रेजिस्टेंस का मान अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोधों की संख्या। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा दिया, नोट लिख दिया, यदि समान मान के कई सारे प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तब तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, किसी एक प्रतिरोध का मान अपॉन प्रतिरोधों की संख्या। ठीक, आर ओम के जुड़े, मान लिया हमारे भाई आर ओम की जगह कुछ और हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया टू ओम के हमारे फोर रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े, तो क्या आ जाएगा, किसी एक का मान टू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फोर, तो टू अपॉन फोर आ गया तुल्य प्रतिरोध, मतलब वन अपॉन टू आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी प्रतिरोध में पाँच ओम के 1000 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध बताओ। अब यहाँ पे पाँच ओम के आर की जगह पाँच आ गया और एन की जगह 1000 आ गया, 1000 जुड़े हैं, तो फार्मूला हमें मालूम है टोटल प्रतिरोध क्या होता है, अगर समान मान के कई सारे प्रतिरोध जुड़े हों तो किसी एक का प्रतिरोध अपॉन प्रतिरोधों की संख्या, किसी एक का रेजिस्टेंस और अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो किसी एक का रेजिस्टेंस क्या, पाँच ओम की 1000 जुड़े हैं ना, तो किसी एक का रेजिस्टेंस क्या, पाँच ओम, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1000, तो क्या आ गया टोटल रेजिस्टेंस 1/200। ठीक है, ये आ गया, इस तरीके से निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना इन सबको, ठीक, बहुत आगे काम आने वाली हैं। और जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं ना, उन्हें तो बाद में पता चलेगा और मैं बताऊंगा बाद में उन्हें क्लास में। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन है, ये तीन प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो कैसे, अब देखो यहाँ पे एक, ये तीनों क्या, तीन ओम के हैं ना समान मान के, तीन प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, सेम वैल्यू के थ्री रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक, तो यदि समान मान के कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो क्या लेते हैं, किसी एक का रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो किसी एक का रेजिस्टेंस क्या है, तीन, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तीन, तो तीन अपॉन तीन, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पैरेलल सर्किट का, वन ओम। ठीक है, वन ओम, ओम ओम को ऐसे लिखते हैं। ठीक, तुम चाहो तो ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ये हो गया हमारा। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है, वरना बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे आगे, इस आगे के जो सब्जेक्ट हैं, अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सही से ना पढ़ी आप लोगों ने। ठीक, तो हमने पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया और उनके कुछ क्वेश्चन देखे, अब आगे हम जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के। ठीक स्टूडेंट।
तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू।